मैं हूँ जयंती झा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बताऊंगी शाही पनीर की रेसिपी। शाही पनीर देखने में जितना ही डिलीशियस और क्रीमी होता है, खाने में भी उतना ही अच्छा होता है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शाही पनीर कैसे बनाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें शाही पनीर बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हो। तो मैंने 100 ग्राम पनीर के लिए 1/4 कप फ्रेश क्रीम लिए हैं, 1/2 कप दही लिए हैं, 1 कप फुल दूध लिए हैं, बटर लिया है, और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 5-6 काजू, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च लिए हैं। इसका मैं पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 स्पून नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1 फुल स्पून गरम मसाले पाउडर एंड 1 फुल स्पून लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मसाले ग्राइंड करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पेस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमारी सब्जी बहुत ही जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने अपना गैस ऑन कर दिया और उस पर एक पैन चढ़ा दिया। पैन गर्म होने देते हैं। ये हमारी पैन गर्म हो चुकी है तो हम इसमें एक बड़ा बटर डाल देते हैं। बटर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है तो हमारा बटर मेल्ट होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें खड़े मसाले डाल लेंगे, बड़ी इलायची, छोटे इलायची, दालचीनी और जीरा पाउडर, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसे अपने खड़े मसाले को थोड़ा भून लेते हैं। तो हम इसमें अपना पेस्ट जो बना के तैयार किए थे वो डाल देते हैं। पेस्ट में काजू ऐड किए हैं तो इसे लगातार स्टर चलाते रहें, क्योंकि काजू तब कढ़ाई में चिपकने का डर रहता। तो इसे आप लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर दें। तो ये जब तक आधे पक जाए फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसे आप लगातार 1-2 मिनट में चलाते रहें, क्योंकि काजू पैन के तवे में चिपक जाता है। अपनी गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये काजू है इसमें तो ये बहुत ज़्यादा उल्टा भी है। तो आप अपनी सेफ्टी बनाए रखें और फिर ये सब्जी को बनाएं और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। देखिए अब इसकी काजू पकने गई है तो अब ये उड़ना बंद हो गया है। और आप इस गैस की फ्लेम लो कर दें और इसमें अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1/2 स्पून हल्दी डाली, 1/2 स्पून गरम मसाले पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर एंड 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे आप अच्छी तरह से मिला लें और इसे आप अच्छे से फ्राई कर लें। ये मसाले को आप अच्छी तरह फेंट लें, इसे अच्छे से फ्राई होने दें जब तक इससे तेल इसके किनारों से तेल छोड़ना शुरू कर दे, तो आपका मसाला भुन जाएगा। तब तक आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भुन लें। आप देख सकते हैं हमारे मसाले भुन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को थोड़ा फेंट लेते हैं और फिर हम इसे ऐड कर लेते हैं। मसाले में हमने काजू दिए हैं तो मसाले भूनने टाइम आप
लगातार इसे चलाते रहें, नहीं तो आपके पैन में चिपक जाएंगे। और दही के साथ साथ हम बहुत थोड़ा इसमें पानी का यूज़ करेंगे। पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें पानी डालें। ये देखिए हमारी दही अच्छे से मिल चुकी है और हम इसमें इसमें बहुत थोड़ा हमने पानी का यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से मिला के इसे थोड़ा और भून लें। फिर इसमें और इंग्रेडिएंट डालेंगे, क्योंकि ये शाही पनीर है तो इसमें सारी इंग्रेडिएंट शाही डाली जाएगी। इसे हम थोड़ा और भून लेते हैं। इसे भूनते हुए हमें 1 मिनट हो गए हैं, तो दही अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी क्रीम ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने फुल फैट क्रीम ली है, इसे थोड़ा मिक्स करके डालें। क्रीम को अच्छी तरह से मिला लें। इसे सब्जी बनाते वक्त हम अपनी फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, क्योंकि इसमें काजू डालने तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें। इसे फिर 1-2 मिनट भून लेंगे। ये देखिए हमारी क्रीम भी इसमें मिल चुकी है। तो अब इसमें एक ज़रूरी टिप, हम अपनी शाही पनीर में 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, जिससे इसका मिठास, शाही पनीर मीठा होता है। तो आप चीनी या चीनी के बदले आप 1 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा मीठापन आ जाएगा। अब हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। दूध ऐड करने से पहले हम अपनी गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए दूध को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही भी डाला है, तो दही दूध डालने के बाद इसे फटने के चांसेस रहते हैं। तो आप गैस की फ्लेम हाई करें और फिर धीरे धीरे करके दही डालें लगातार चलाते हुए, तो गैस तो दही नहीं फटेगी और आपकी शाही पनीर बिना फटे हुए बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। जब तक एक उबाल आ जाए तब तक हमें इसे मिला के मिलाते रहना है। ये देखिए हमारी शाही पनीर में अब उबाल आ चुकी है, तो दूध भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी फटे देखे आप, ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो आप ये टिप ध्यान रखें, जब भी आप दूध को मिक्स करें तो गैस की फ्लेम हाई कर दें और दूध धीरे धीरे मिक्स करें, एक बार में दूध ना ऐड करें। तो चलिए अब हम इसमें अपनी पनीर ऐड कर देते हैं। तो ये मैं पनीर इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे आप अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पे पनीर को अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और ढक के इसे 1 मिनट तक पकाए। ढक देते हैं, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। हमें इसे ढके हुए 1 मिनट हो चुके हैं। हमारी शाही पनीर बनके तैयार है, कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो इसे हम 1 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो आप ये देख सकते हो हमारी शाही पनीर बनके तैयार है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, बिल्कुल है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी घी क्रीम डाल देंगे। ये देखिए लग रही है ना आपको रेस्टोरेंट स्टाइल, तो आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेस्टोरेंट स्टाइल।